हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वर्ल्ड कप 10 फिनिश हुआ है और एक नई सीरीज आ गई है, ब्लॉकबस्टर सीरीज बोलेंगे इसको। हालांकि ब्लॉकबस्टर वाली फीलिंग आ नहीं रही होगी क्योंकि हमने वर्ल्ड कप देखा है जस्ट अभी, जो जहाँ पे थ्रिल और एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा एक इवेंट होता है। फिर भी काफी बड़ी सीरीज है और आज का टाइम ऐसा है कि क्रिकेट रुकती ही नहीं है, 24/7 हो गई है, मुंबई की नाइट लाइफ की तरह। एक जमाना था मुझे याद है, तब ना हमारे घर में केबल टीवी हुआ नहीं करता था, चैनल्स भी इतने ज्यादा आधे दूरदर्शन पे मैच देखते थे हम, वो भी वो जो इंडिया में हो रहे होते थे या फिर आईसीसी के इवेंट। इसके अलावा तो मैच आते ही थे और उस समय ये भी होता नहीं था कि रात में जग के कोई टीवी देख रहा है, इस टाइप से वो भी चलता नहीं था। देन उसके बाद केबल टीवी आया तो मैं मैचेस जो देखा करता था वो हाईलाइट पे देखा करता था, यानी कि अगर मैच लाइव नहीं आ रहा है तो मैं मैच को जो है हाईलाइट ही देख रहा हूँ। आज का जमाना ये है कि इतने मैचेस आ रहे हैं कि अब ये समझ नहीं आता कौन सा देखे और कौन सा छोड़े। तो चलिए अब बात करते हैं जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने जा रही है, इससे हमें क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी और कैसी सीरीज ये हो सकती है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं योद्धाओं की। तो पैट कमिंस जो है वो नए नए कप्तान बने हैं और टीम बताए तो आपके लिए फटाफट से मैं, तो मोटा मोटी सेम टीम ही है। फिंच ने संन्यास ले लिया है, इतना देर में क्यों लिया मेरा सवाल ये है, काफी पहले ले लेना चाहिए था। मैक्सवेल का नाम टीम में है लेकिन मैक्सवेल इंजर्ड हो गए, आपको पता लगा होगा एक्सीडेंट उनका हो गया है रिसेंटली, तो वो 2-3 मंथ के लिए सीरीज से बाहर है। अब मेरे हिसाब से जो टीम खेलने वाली है मैं उसका एक मोटा मोटा बताया, तो मेरे हिसाब से वार्नर हेड ओपनिंग करेंगे, वन डाउन लेबुशेन, देन स्मिथ या वाइस वर्सा हो सकता है इसमें। 5 पे मेरे ख्याल से मिचमार, 6 पे स्टोनिस, ये मेरे ख्याल से टीम हो सकती है। हालांकि मैं चाहूंगा कि ये मिचमार और स्टोनिस में एक को बिठा के कैमरून ग्रीन या एशन एगर को मौका दे ताकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाए, क्योंकि 7 पे इनको खिलाना है एलेक्स कैरी को। देन इनके 4 बॉलर होंगे कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, जैम्पा, ये तो फिक्स है। तो बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, कीपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस कहाँ आती है 5वां बॉलर जो है, क्योंकि अब इनके पास मैक्सवेल भी नहीं है तो इनको ये करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सीधी सीधी इंग्लैंड की। इंग्लैंड की टीम अगर आप देखें तो इनकी टीम में ना स्टोक्स है अब, ना वनडे के स्पेशलिस्ट रूट हैं और ना ही बेस्ट हो हैं। तो तीनों का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा योगदान है इनकी वनडे टीम में, सॉलिडिटी देते हैं काफी ज्यादा तीनों को, तीनों उनके ना होने से जो प्लेयर टीम में आए हैं अब उनमें है आपका मलान जो शायद इंजर्ड है खेलेंगे पता नहीं, रॉय को मैं उतना रेट वैसे भी नहीं करता हूँ, क्वालिटी बॉलिंग के सामने तो दिक्कत है। बाकी विंस क्वालिटी प्लेयर हैं नो डाउट, लेकिन उतना कभी भी इनको मौका मिला नहीं उस हिसाब से, तो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं कहे जाएंगे। देन मोइन अली, सैम करन, तो टीम जो इनकी खेलेगी मेरे हिसाब से वो होगी रॉय और विंस ओपनिंग करेंगे, और अगर फिट हुए तो मलान वन डाउन, सेकेंड डाउन बटलर, 5 पे मेरे ख्याल से सैम बिलिंग्स, 6 पे मोइन अली, 7 पे सैम करन वगैरह फिर बॉलर हो जाएंगे। बॉलिंग में इनके ऑप्शन है वॉक्स, बिली, रशीद और जॉर्डन, और ऑली स्टोन भी है वैसे पर मेरे ख्याल से यही खेलेंगे। तो देखा जाए तो टीम जो है वो वीक तो हुई है, क्योंकि ना बॉलिंग में इनके पास ना आर्चर हैं जो जबरदस्त होते थे, और अगर आप देखें बैटिंग में तो हालांकि आर्चर काफी टाइम से नहीं है तो उसकी बात करना गलत होगा, लेकिन एक कोई बॉलर इसको मिस कर रहा हूँ मैं, टोपली। हाँ टोपली इनके जो बॉलर थे बड़े अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, तो वो नहीं खेल रहे हैं इस सीरीज में भी। और बैटिंग में टीम में बता जो आपको स्टोक्स, रूट और बेस्ट हो, 3 प्लेयर के मिसिंग है बहुत ज्यादा। बाय द वे स्टोक्स से याद आया, मैंने आपको कहा था ये वाली बात इनके इंग्लैंड के प्रीव्यू में कि स्टोक्स जो है बड़े मैच का प्लेयर है और बड़े मैच में रन जरूर बनाएगा, और उसने फाइनल में रन बनाया। रीजन भी वो था, वो खेल रहा था तेज, तो एग्जिट लेने का रीजन भी हमारा यही था क्योंकि उससे एक इनिंग उससे एक्सपेक्टेड थी। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन स्टोक्स में देखा बड़े इवेंट में हमेशा नंबर आता है, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो लीड्स का एशियाज का टेस्ट मैच हो, और अब आपने यहाँ देख लिया। तो अगर देखिए दोनों टीमों को कंपेरिजन करें तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बेटर टीम लग रही है इंग्लैंड के मुकाबले। अब आज चलते हैं आगे, तो ग्राउंड की बात करते हैं। एडिलेड ये है बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड, सिडनी ये है बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड, मेलबर्न ये भी वनडे में इसको वैसे आप उतना वो नहीं बोलेंगे कि बहुत ही खतरनाक ग्राउंड, ऐसी वाली बात नहीं रहेगी, पर बड़ा रहेगा तो उतने रन यहाँ पे एक्सपेक्टेड शायद आप नहीं करेंगे।
अब बात करते हैं, ये मेरा लिंक है गाइस, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज्वाइन करें, और अगर आपसे लिंक ज्वाइन ना हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, सर्च करके बताना, मैं नहीं चाहता कि आप फेक चैनल पहुंचे। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की फटाफट से। तो सीधी बात है, अगर मेरे साथ और झिला ने 5 जेन्युइन बॉलर्स चुने तो वो मैच जीत जाएंगे, ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि उनको वो चाहिए। और इंग्लैंड जो है वो बैडली मिस करेगा, रूट स्टॉक बेस्ट को ये मैं कह चुका हूँ। अब जो परफॉर्मेंस वाली बात आती है प्रेडिक्शन की, वो आती है बटलर की। बटलर पे आप नजर रखिएगा, ये सीरियस परफॉर्मेंस आपको देगा इस सीरीज में, बल्कि आने वाले 1 साल में। और आपको इस सीरीज में एक जैकपॉट मिलेगा, बस आई एम सॉरी टू से दिस, पर एक जैकपॉट मिलेगा, और दो मिलेंगे वन साइडेड या कुछ कुछ ट्रेडिंग वाले अफेयर्स, ऐसा मुझे लगता है। आई होप मैं गलत हो जाऊँ, तीनों जैकपॉट होते हैं यार, मजा आ जाए बंदों में। आई होप मैं गलत हो जाऊँ, मुझे इस तरह के गलत होने बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस चीज से पब्लिक का फायदा हो उसमें बेनिफिट अल्टीमेटली। तो चलिए बाकी मिलते हैं आपसे टेलीग्राम में। आई होप ये सीरीज आपको अच्छा रिटर्न देके जाए। तब तक के लिए आपको गुड लक, गुड बाय एंड गुड नाइट।